तो हम यहाँ पे अब बेटी में जाएंगे, ये जैडलिंग एप्लीकेशन है, ये देखिए दे रखी है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ये घूम रहा है। अगर किसी में कोई इशू आ रहा है, क्योंकि एक वन प्लस फोन ऐसा है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपका पहली बार कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा टाइम हो जाएगा तो वो इजी कनेक्ट हो जाएगा। तो एक बार आप जरूर उसको बंद करके दोबारा चालू करें, अभी एक बार करके देखते हैं दोबारा। मैंने नेट चालू करा है, वाईफाई बंद कर दिया है, अब एक बार दोबारा इसको बैक करेंगे, फिर कनेक्ट करके देखते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपने यहाँ पे, बस आपकी सेटिंग आएगी एंड्रॉइड ऑटो की, आपको उसको ओके स्टार्ट करते हैं एक बार। ये देखो मैंने बीटी अपना ऑन करा है, यहाँ पे आपका कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपने जैडलिंक ऑन करा है तो अपनी यहाँ पे आप लोकेशन ऑन कर देंगे, क्योंकि लोकेशन ऑन करेंगे देन आप इसमें अपना नेविगेशन यूज कर पाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ये आपका वायरलेस चल रहा है, देख सकते हो आप पूरा चल रहा है। अब आप इसी में वन टाइम में टू एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, लाइक आप स्पॉटिफाई पे सॉन्ग सुनना चाहते हो तो आप वो भी सुन सकते हो। गाने तो YouTube के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे एंड्रॉइड फोन में अपने प्ले स्टोर में लॉग इन करते हो, लाइक ये आपका प्ले स्टोर आ गया है, अपने फोन से आप अपना हॉटस्पॉट शेयर करोगे और यहाँ पे अपना लॉग इन करोगे, मेल आईडी। जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो सिस्टम अपडेट मांगेगा प्रॉपर, जैसे प्ले स्टोर में मांगता है। तो उस केस में आपको यहाँ पे अपने प्ले स्टोर से अपडेट करना है तो आपका यूट्यूब भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सेम वैसे ही करिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कोई भी फेस करनी नहीं पड़ेगी। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, जो कि अब कम हो गया करने के लिए, बट अब जरूर करिएगा। थैंक यू।